हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आजकल सभी एकेडमिक वर्क ऑनलाइन हो रहे हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन ही चल रही हैं। इसके लिए आप सभी को एक ईमेल आईडी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट जीमेल आईडी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर गूगल ओपन करना है और टाइप करना है क्रिएट न्यू गूगल अकाउंट। टाइप करना है, इसको मैंने क्लिक किया। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे क्रिएट योर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट्स जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए अब नया नई स्क्रीन खुल गई है, क्रिएट योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ स्टूडेंट का अपना नाम आना है। सपोज मैं लिखती हूँ नविका, शर्मा, ये स्टूडेंट का नाम मैंने लिख दिया। अब यहाँ आपका ईमेल आईडी लिखा जाना है, ये अपनी तरफ से आता है। इसको आप मिटा के अपना जो भी ईमेल आईडी चाह रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रही हूँ शर्मा डॉट नविका डॉट 9085। यहाँ से मैंने बाहर इंटर किया। अभी देखिए इस समय तो ईमेल आईडी बन गई। कभी कभी क्या होता है, ये रेड कलर का हो जाता है और ये आता है कि अनदर ईमेल आईडी डालिए। तो ये अगर रेड कलर का हो गया है तो इसका मतलब ईमेल आईडी वो किसी का पहले से बना हुआ है। उस केस में आप यहाँ पे कोई डॉट ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, या कोई आपने नंबर डाला है तो इसको चेंज कर सकते हैं। एक दो बार ट्राई करने के बाद ईमेल आईडी बन जाती है। तो ये हो गया आपका शर्मा डॉट नविका डॉट 9085@gmail.com। ये आपकी ईमेल आईडी स्टूडेंट की बन गई। अब यहाँ क्या डालना है, पासवर्ड। जो पासवर्ड आप चाह रहे हैं उसको आप यहाँ डालिए। जैसे मैं यहाँ पासवर्ड डाल रही हूँ, सेम पासवर्ड मैंने यहाँ डाला। यहाँ पर पासवर्ड कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए। इसमें आपके कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ नंबर हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ नेक्स्ट क्लिक किया। अब ये देखिए अब यहाँ इस स्क्रीन पे क्या है, फोन नंबर और रिकवरी ईमेल एड्रेस, ये दोनों ऑप्शनल है। यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ आप अपना अल्टरनेट कोई ईमेल आईडी पहले से है तो वो डाल सकते हैं। मैं इन दोनों को स्किप कर रही हूँ और यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, मैं इसको डालती हूँ। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पर अगस्त, डे में मैंने कर दिया 15, ईयर में कर दिया मैंने 2000। अब यहाँ जेंडर डालना है फीमेल। अब मैंने इसको नेक्स्ट क्लिक किया। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे हैं, इसको स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है और यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देना है। ये देखिए ये क्या है, अब ये नविका शर्मा के नाम से एक ईमेल आईडी बन गई है। नविका शर्मा वही है जो स्टार्टिंग में मैंने स्टूडेंट्स के नेम में भरा था। ये इस ईमेल से आईडी गूगल टूल्स हैं, इसको बंद करते हैं। तो ये इस प्रोसेस से आप नविका शर्मा के नाम से एक ईमेल आईडी बन गई है। अब आगे मैं ईमेल आईडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन, यूज ऑलवेज स्मॉल लेटर्स फॉर ईमेल आईडी विदाउट एनी स्पेस और गैप। आपको ईमेल आईडी लिखते समय हमेशा स्मॉल लेटर ही यूज करना है, बीच में कोई भी गैप या स्पेस नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यदि इस तीनों में से कोई भी मिस्टेक हुई तो आपकी ईमेल आपका ईमेल नहीं जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एनी ऑनलाइन एकेडमिक वर्क ऐड योर रियल नेम एज पर कॉलेज रिकॉर्ड। जिस ईमेल आईडी से आप कोई ऑनलाइन एकेडमिक वर्क करते हैं उसमें आपका कॉलेज का रिकॉर्ड में जो नेम है वो नाम होना चाहिए। नेक्स्ट, यू कैन एडिट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एनी टाइम। आपने ईमेल आईडी में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी फिल की है, जैसे स्टार्टिंग में नाम था, फ़ोन नंबर था, अल्टरनेट ईमेल आईडी था, डेट ऑफ बर्थ था, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करना चाहते हैं वो बाद में कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें सारे प्रोसेस सारे स्टेप्स मैंने डिटेल में समझा दिया है। ऑलवेज लॉग आउट इफ वर्किंग ऑन डिवाइस ऑफ एनीबडी एल्स। यदि आप किसी दूसरे के डिवाइस पर, किसी दूसरे के मोबाइल पर या लैपटॉप पर अपने ईमेल से काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद उस ईमेल को लॉग आउट कर दीजिए, अदरवाइज आपके ईमेल अगर ओपन है तो उसका मिसयूज हो सकता है। लास्ट, डोंट शेयर
योर ईमेल पासवर्ड, आपका जो अपना ईमेल पासवर्ड है वो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, अदरवाइज इससे भी आपके ईमेल का मिसयूज हो सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप बिना किसी के हेल्प के आप अपना ईमेल आईडी स्वयं बना सकते हैं। इस वीडियो को मैंने लैपटॉप से बनाया है और आप मोबाइल से भी इसी प्रोसेस से ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।